ओल्ड एज होम है। दोबारा घर वापस जा रहे हैं ना? हाँ, बिकॉज मैं पर्स भूल गया। अभी अपना वॉलेट भूल गए हैं और 2 घंटे बाकी हैं। 170 क्यों लगेगा, उसमें बैलेंस नहीं रहेगा। क्या करोगे अभी? वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइस, अभी टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 होने वाले हैं और अभी पैकिंग चालू की है। उससे पहले सोच रही हूँ चाय बना लूँ क्योंकि आँखें नहीं खुली हैं अभी तक मेरी, तो अभी सबसे पहले चाय पीऊँगी और उसके बाद करूँगी पैकिंग। पैकिंग में ज़्यादा सामान तो हमको लेके जाना नहीं है, वह थोड़ा ही लेके जाना है, तो पैकिंग तो 1/2 घंटे में हो जाएगी पूरी। हमारी जो ट्रेन है वो है 6:45 की, तो हम लोग 4 बजे के करीब निकलेंगे क्योंकि जो स्टेशन है वो है 20 किलोमीटर, मतलब 2 घंटे लेके चलो यहाँ से मुंबई सेंट्रल के, तो हम लोग 6 बजे तक पहुँचेंगे। उससे पहले एक दो काम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो करके ही जाना है वो करेंगे, उसके बाद स्टेशन के लिए निकलेंगे। तो अभी उनकी चाय पीने के बाद आपको मिलती हूँ। और बैग अभी ने निकाल के रख दिया नीचे और अभी थोड़ी देर में करेंगे पैकिंग स्टार्ट। सो रिले, तू बोलने लग गई? कब से? अरे कल बहुत चिल्लाने से। हाँ तो तेरा मतलब टूट गया, 1 महीना हो गया था, 15 दिन। इसीलिए पता, जब से मैं भी अभी से ही बोल रही हूँ, जब से तूने रखा है ना मोहन व्रत, तब से ज्यादा बीमार हो रही है। नीचे प्याज गिरा है। माय गॉड यार, चलो बाहर इतनी बारिश हो रही है ते हुण जे आपां 3:30 भी निकलांगे। नहीं नहीं, 3:30 तां बहुत छिक्की है यार, बारिश से ट्रैफिक ज्यादा ना मिले ना। ज्यादा भी मिले 1.5 घंटे दे, 2 लग जाएंगे मैक्स। 6:45 थी अपनी। हां तो फिर आप उधर भी जाना का ना? हां, 4:30 निकलेंगे। चलो 4 बहुत लेट हो गई यार। नहीं 4 बजे निकलेंगे। ओके, 2 घंटे लग जाएंगे मैक्स। सो अभी फिलहाल मैं करने जा रही हूँ लंच क्योंकि मेरे को लगी है बहुत तेज भूख। पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, दिखाती हूँ। सो ये अभी पैकिंग हो गई है डन और यहाँ बस मेरे थोड़े से सामान बाकी है, जो मेरा कॉस्मेटिक वगैरह का है वो मैं लास्ट में डालूंगी रेडी होने के बाद। होगी थोड़ी पैकिंग? यस। अपना जो आप लेके जा रहे हैं बना के खाना, हाँ। वो केड़े बैग च रखना? ब्लैक वाली तो रखी। आ जाऊंगा दे विच। तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितने बजे निकलेंगे? 6 साहब, हर रोज कोई ना कोई टी शर्ट कट के ना इदा कटन लगे पे होंगे ने। जेडी पुरानी होंगी आप कट दी थी? सारी पुरानी हो जाती ने थोड़िया तो नहीं फट गई। और ये तुझे जिम च यूज करोगे, घर में वर्कआउट? सो यहाँ पर मैंने अपना टिफिन कर लिया पैक, जो हम लेके जा रहे हैं ट्रेन में खाने के लिए। तो ये है पनीर भुर्जी, ये है आलू भुजिया और इसमें पराठे और दाल का चीला है। हेलो जी। सो गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी फिलहाल टाइम 4 घर पे ही बच गए हैं, 4 बजे हमको निकलना था। बट एनीवेज, अभी हो रहे हैं रेडी, शार ले रहे हैं वो और पैकिंग भी हो गई है, खाना भी पैक कर लिया है जो रास्ते के लिए हमने बनाया था। और अभी कैब बुक करेंगे फटाफट और 10-15 मिनट में निकल ही जाएंगे क्योंकि 6:45 की है हमारी ट्रेन मुंबई सेंट्रल से। तो जब भी बारिश, शुक्र है रुक गई है, सुबह से बारिश इतनी हो रही थी तो लग रहा था ट्रैफिक में फंस जाएंगे, बट अभी लग रहा है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा टाइम से पहुंच ही जाएंगे। और सोफे मैंने इस तरह से कर दिए कवर क्योंकि 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे वापस आने में, तो मैं नहीं चाहती धूल मिट्टी इनके ऊपर चढ़ जाए क्योंकि बाहर हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम मेट्रो का, तो हर दिन मिट्टी आती है घर पर। ये एक बड़ा बैग है जो लेके जा रहे हैं और ये जो रिबन है ये अभी की मम्मा ने बांधा था, तब से बंधा ही हुआ है। चीनू, एक ये छोटा सा बैग है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डाले हुए हैं और सप्लीमेंट्स डाले हैं, वर्कआउट सप्लीमेंट्स, और खाना भी डाल दिया इसी के अंदर। और ये है मेरा क्यूट सा बैग पैक जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, बहुत इजी है, इसके अंदर सारा सामान आ जाता है। फिलहाल तो मैंने इसके अंदर कैमरा रखा हुआ है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कैमरा मेरे साथ ही रहे, बैग में नहीं डाला, टूटने का डर है, सो इसी में डाल लिया। और बस अभी 5 मिनट में निकलने लगे हैं, टाइम हुआ है 4:10। कैब कब तक आ रही है? आगे। चलो फिर। चिनू, जो बैग के उत्ते रिबन बनया हुआ मम्मा का बनया हुआ है, कितने साल हो गए?
जब तुम बॉम्बे आए सी पहली बार मीन्स ये बैग बहुत ज्यादा पुराना है। ओके सो गाइस कैब आ चुकी है और अभी फटाफट निकलते हैं क्योंकि रास्ते में एक और जगह हमने जाना है, वहां हमको 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो जल्दी जल्दी करो। सारा देख ले सामान वगैरह। हाँ ओके जी बाय बाय। हो गया चेक कर ले सर। एक लाइट ऑन कर ले। केड़ी? ओ मंदिर के सामने वाली ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट ऑन कर दूं? हाँ वो छोटी। ओके दीदी बैटरी बैटरी की बात कर दी। 10 दिन से आ जाना। और अच्छा काली पीली आई तो अभी जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था वो हो गया है। हम यहाँ पर आए थे जीवन आशा, एक ओल्ड एज होम है जहाँ पर आप चाहे, आपकी श्रद्धा है, अगर आप चाहें डोनेट करना तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत जरूरी काम था वो हमारा निपट गया है। हम अभी दोबारा घर वापस जा रहे हैं ना। बिकॉज मैं पर्स भूल गया। बहुत बहादुरी वाला काम, पर्स भूल के मेन चीज जिसमें सारे लाइसेंस आइडेंटिटी कार्ड सारा कुछ था। सो अभी जा रहे हैं हम लोग घर और टाइम हमारे पास अभी 2 घंटे बाकी हैं, बट जो कैब के जो हमारे सर हैं ड्राइवर, उन्होंने कहा है कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अभी फिलहाल घर जाएंगे, वॉलेट उठाएंगे और फिर हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, नॉट एयरपोर्ट स्टेशन के लिए। फटाफट जाओ ते 2 मिनट लाओ। अभय को अभी पता ही नहीं है वॉलेट है कहाँ पर। वो कह रहे हैं शायद जिम के बैग में हो सकता है या गाड़ी में हो सकता है। अगर जिम के बैग में नहीं निकला तो आगे गाड़ी चेक करेंगे, जिसमें हमारा मुझे लगता है 15-20 मिनट तो जाएंगे ही जाएंगे। और 5 बज चुके हैं तो 1 घंटा 45 मिनट रह गए हैं। दादा पहुँच जाएंगे हम लोग? ट्रैफिक नहीं मिली तो 1 घंटा आराम से। 1 घंटे में अगर ट्रैफिक मिली तो 1.5 घंटा ट्रैफिक के ऊपर। चलो देखते हैं क्या बनता है। मिल गया? हाँ। बैग में ही था? हाँ, बैग। शुक्र। अगर गाड़ी में होता ना तो पहले कवर उठाओ उसके बाद पर्स ढूंढो। हाँ। नहीं वो भी 2 मिनट का काम है, पर्स मेरे को याद था। बैग ऐसा स्कैन पे ऐसा कुछ है नहीं, वो अलग से ऐसा स्कैन पे करेगा तो अगर 170 क्यों लगेगा, उसमें बैलेंस नहीं रहेगा तो 170 देगा ना। ले लेना भाई पीछे थोड़ा। तो फिर क्या करोगे, दोबारा से डालोगे? नहीं नहीं बैलेंस है अंदर। नहीं पर पीछे लेके करोगे क्या? जबरदस्ती है। पाँच से दस। सो गाइज हम लोग टाइम से पहुंच ही गए हैं, 6 बजे हैं। मतलब 6 बजे 45 मिनट स्टिल हमारे पास अभी बाकी है। हाँ और अभी ने तो नींद भी अपनी बीच में पूरी कर ली, झपकियाँ झुपकियाँ मार ली हैं। बस 10 मिनट में पहुंच रहे हैं हम लोग स्टेशन और फिर भी हमारे पास 40 मिनट्स रहेंगे तो आराम से हम लोग पकड़ेंगे ट्रेन। पर सोचा सी ट्रैफिक मिलूंगा, ट्रैफिक नहीं मिला ना बिल्कुल भी, खाली हुई था आज तो। एंट्रेंस समझ नहीं आई, एकदम क्या नहीं है।